छोटी दी, कैन यू हेल्प मी? क्लास थर्ड, ईवीएस, चैप्टर फोर, आवर फर्स्ट स्कूल। ऑफ कोर्स, लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट स्कूल, वी लर्न सो मैनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल। हम बहुत कुछ सीखते हैं जब हम स्कूल आते हैं। बट डू यू नो विच इज आवर फर्स्ट स्कूल? लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा पहला स्कूल क्या है? यस, इट इज़ आवर फैमिली। हाँ, हमारा परिवार। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। हम बहुत कुछ अपने परिवार से सीखते हैं। मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स, बाकी जगह से सीखने से ज़्यादा। दिस इज बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली, क्योंकि हम अपने परिवार के बहुत ही नज़दीक होते हैं। बट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट। लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। चलो अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और बातें करते हैं। तो बच्चों, आपको ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली। आपको अपने परिवार का पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ करना है और या इसे पेस्ट करना है। Who all are there in your family? Write their names and how they are related to you. आपको यहाँ पर बताना है बच्चों कि आपके परिवार में इनके क्या नाम हैं और उनके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है। Write the relationship between any two members of your family, such as husband wife, brother sister, mother daughter. तो बच्चों, आपको यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखने हैं और उनके रिलेशनशिप लिखने हैं। व्हाट डू यू योर फैमिली मेम्बर्स कॉल यू लविंगली? आपको आपके परिवार के लोग क्या बुलाते हैं प्यार से? डू यू हैव ए पेट नेम? क्या आपका कोई प्यारा नाम है? हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेम्बर्स? तुम अपनी फैमिली मेम्बर्स को कैसे बुलाते हो? लुक एट द पिक्चर केयरफुली। नीचे दिए गए पिक्चर को ध्यान से देखना है। टू पर्सन्स इन द पिक्चर लुक ए लॉट लाइक ईच अदर। हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड? बच्चों, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें दो लोग लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, तो उनके बीच में क्या रिश्ता हो सकता है? टू गर्ल्स इन द पिक्चर रिजेंबल ईच अदर, दे आर सिस्टर्स। ये दोनों सिस्टर्स हो सकते हैं क्योंकि ये एक जैसी दिख रही है ना? इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली इन द वे यू टॉक, वॉक, स्माइल और इवन इन योर लुक्स? विद होम एंड हाउ? तो बच्चों, आपको बताना है कि आपकी फैमिली में किसी की तरह आप दिखते हैं, बातें करते हैं, चलते हैं, स्माइल करते हैं। लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवारीज फैमिली। द ओल्डर मेंबर्स ऑफ अनवारी फैमिली वर्क एज धोबीज। जो अनवारी फैमिली है उनका जो काम है बच्चों, वो धोबी का है। धोबी मीन्स वॉशरमैन, जो कपड़ों की धुलाई करते हैं। मेम्बर्स ऑफ द फैमिली लैंड ए हैंड इन वॉशिंग, ड्राइंग एंड आयरनिंग ऑफ द क्लोथ्स। अनवारी एंड हर कजिन तौफिक आर आल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। इज योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पार्टिकुलर वर्क? क्या आपका परिवार भी किसी प्रकार के विशेष काम में इन्वॉल्व है? अगर हाँ, तो काम क्या है बच्चों, वो बताना है आपको। डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क? क्या आप अपने परिवार का हेल्प करते हैं काम से? वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। अनवारी एंड हर कजिन लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल। जो अनवारी है और उसके कजन है, उन्होंने अपने अंकल से साइकिल चलाना सीखा। यू आल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली। वॉट एंड फ्रॉम होम? हैज एनी वन लर्न एनी थिंग फ्रॉम यू? बच्चों, आपको बताना है कि आपने अपने परिवार में किससे क्या सीखा है और किसी को आपने कुछ सिखाया है तो उसके बारे में भी आपको बताना है। थिंक एंड राइट।
When I am sad, I go to my dash. When I am sad, I go to my mother. बच्चों आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि आप जब उदास होते हैं तो आप किसके पास जाते हैं. When I want to know about the past, I go to my grandfather. When I want to share my secret, I go to my sister. When I do something wrong, I go to my grandmother. तो बच्चों आप इसे अपने अकॉर्डिंग फील कर सकते हैं. Everyone removes their shoes before entering the house. This is the practice in Surekha's family. Some of Surekha's friend enter her house without removing their shoes. Surekha's grandfather gets angry at that. बच्चों आप जानते हैं कहीं सारे घरों में घरों के अंदर एंटर करने से पहले आपको अपने जूते चप्पल बाहर करने पड़ते हैं. यही कस्टम सुरेखा के फैमिली में है. अगर सुरेखा के फ्रेंड्स बिना शूज़ रिमूव किए एंटर करते हैं घर में तो उनके दादाजी नाराज़ होते हैं. आर देयर एनी पार्टिकुलर कस्टम्स फॉलोड बाई योर फैमिली? वाट आर दोज? यस, एवरी वन इन माई फैमिली प्रेस टू गॉड बिफोर स्टार्टिंग अ मील. तो बच्चों आपको अपने अकॉर्डिंग आपके यहाँ के जो कस्टम्स हैं उसे यहाँ लिखना है. आर देयर एनी पार्टिकुलर हैबिट्स इन माई एनी मेम्बर ऑफ योर फैमिली लाइक लाफिंग लाउडली और सिंगिंग वैन दे आर हैपिंग इमिटेट दैम? तो आपको बताना है कि आपके फैमिली में कोई विशेष प्रकार का आदत है तो. How do you show respect to the elders in your family? Look around to see how the others show respect. Whenever an elder relative comes to our home, we touch their feet to show respect. I always talk in soft tone with my parents. Thank you, Monu bhaiya. Welcome, Choti. Choti, हमारे चैनल पर सभी क्लासेस के वीडियोस भी उपलब्ध हैं. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें.